जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इतना संभाल के चलाने की जरूरत नहीं है छेदीलाल, छुआ देना था इसको। अकेले अकेले हाईवे का मजा ले रहे हैं इंजीनियर साहब। आपको पता है ना, इस हाईवे पे लड़की से ज्यादा खतरा इंजीनियर लोगों पर होता है। नहीं वो रागनी जी, हम आपके, मेरा मतलब है कि आपके बाबूजी विकराल सिंह जी के पास ही मिलने के लिए जा रहे थे। हम सच कह रहे हैं आपसे, लेकिन आप लोग झूठ अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से बोलिएगा, समझे? इनके और भगवान के सामने सिर्फ सच बोला जाता है। चलिए अब तोता के जैसे सब सच सच बकना चालू करिए, नहीं तो बगुला भगत जैसा टंगा जाइएगा। विकराल सिंह जी के कहने पर पता किए, एक बहुत बड़ा टेंडर आने वाला है डिस्ट्रिक्ट में, लगभग 200 करोड़ का। हम कोटेशन टाइम पर पता करके बता देंगे मैडम। थक तेरी, ये टाइम का ही तो प्रॉब्लम है, ना टाइम से आते हैं ना टाइम से बताते हैं। अरे बताओ ससुरे को, अरे बाबूजी तुम्हारे जैसे लोगों का टाइम ही खराब कर देते हैं। वो तो हम हैं जो प्रायश्चित का एक मौका जरूर देते हैं। मैडम माफ कर दीजिए, आगे गलती नहीं होगी। अरे रे 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 रे, हम दंड थोड़ी दे रहे हैं, ना ना ना, हम तो प्रायश्चित की बात कर रहे हैं ना। अब ये देखिए, वो गंगा मैया कितने प्यार से बह रही है। डुबकी लगाइए और अपने पाप धोवाइए, जाइए जाइए। आगे से हम हर खबर आपको देंगे। रागनी जी माफ कर दीजिए हमको। जान बख्शा गया है, इका कम है, गंगा स्नान ही तो करना है। चलिए चलिए डुबकी लगाइए। अरे आइए महाराज, अरे आइए रागनी जी, अरे आइए भाई, आइए आइए महाराज, पूर्णा ही तो है। अरे आइए, गंगा मैया की जय।
ठीक नहीं है, हम जान दे देंगे लेकिन अंडाए हम नहीं देंगे। हम अब देख लीजिए हम जान दे देंगे पर अंडाए दूर रहिए हमसे, दूर रहिए, जान दे देंगे हम, जान दे देंगे हम, जान देंगे दूर रहिए हमसे, हम नहीं होने देंगे अन्याय, ये अत्याचार हम नहीं होने देंगे, हम जान दे देंगे, हम कह रहे हैं हम देखिए हम जल डाल के आत्मदाह करने जा रहा है। ससुरा, थोड़ा तो पेट्रोल मिलाया होता, पेट्रोल का महक तक नहीं आ रहा है। कान खोल के सुन लो, नेताजी से सामने जब धमकी देना तो ये पेट्रोल का महक उनका नाक तक जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा दाह हम अपने ही हाथ से करेंगे, अरू भी बिना तेल डाले। जी मालिक। ओ इंजीनियर साहब, डूब गए। हाँ बाबूजी। कहाँ है बेटा जी? ओ बाबूजी, वो हम पीडब्ल्यूडी वाले इंजीनियर को समझाने आए थे। तो कहाँ समझाए? उनका टाइम का कीमत समझा दिए हम। जबरदस्त। ऐसा है, जरूरी काम से बिलासपुर जा रहे हैं, नारद को सीधा वहीं भेज दीजिए। अब ठीक है बाबूजी। विद्वान सिंह के घर ले चलो जल्दी। आराम से, आराम से भाई। खुश रह बेटा, ये ले खुश। विद्वान बेटा, देखना आज तुम बहुत अच्छी खबर लेके आओगे। पक्का? अच्छा चलता हूँ। बेटा प्रसाद ले ले। दादी रुकिए, पहले गोल तो करने दीजिए। लगाना तुमको। हाय राम, क्या कर दिया? हमारी कोई गलती नहीं है। पेंट गिराए तुम तो गलती किसका हुआ? सारा काम तुम्हारा ही घर में आ
जाता है काम करने के लिए। मैं कुछ नहीं किया माँ जी। माँ जी? माँ नहीं, काली माँ कहो। माँ जी किसको बोला है? माँ जी किसको बोला? इसको सारा पेट गिरा दिया। अरे भौजी, अरे 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 क्या कर रही है? अरे क्या हो गया भाई, छोड़ दीजिए ना उसको। अरे कैसे छोड़ दे, देख नहीं रहे आप? सारा पेंट नाच दिया, कपड़ा नाच दिया। अरे बकलोल कहीं का। अरे पेंटर गिराया है ना, अरे मार दीजिएगा का उसको। और तुम पेंटर बाबू जरा खड़ा होइए। अरे कितना पिटिएगा भाई, आए दौड़ जाइए सर पर, भागिए यहाँ से। चलो बिटवा, चल के नहा लो, सब निकल जाएगा। हाँ आ जाओ। भौजी आप काहे इतना गुस्सा करती हैं? अरे देवर जी, गुस्सा ना करे तो का करे। चार दिन में अनुराग लंदन से वापस आ रहा है और एक कोई काम का ठिकाना नहीं है। जाइए दूसरा कोनो पेंटर लेकर आइए, अभी तो आने से रहा। आप अपने देवर को हल्के में ले रही हैं। इस जवार में जितना पेंटर लोग है ना, सबको लागे धरे बिठा देंगे, हम बता रहे हैं आपको। जाएंगे? अरे जा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए ना आप। अरे छोटकी तनिक देखो दिव्या क्या कर रही है। अरे कब से कहा है उसे कि अनुराग का कमरा साफ कर दे। लड़की पता नहीं कब अपने साथ श्रृंगार से फुर्सत पाएगी। कनेवा में सोहे बाली, चाल चले ली मत्ते वाली, पगले वाली। दिव्या बिटिया, अगर तुम्हारा ये सजना सवरना पूरा हो गया हो तो अनुराग का कमरा ठीक कर लिया जाए। जी काकी, बस एक बार ई झुमका फाइनल हो जाए, तुरंत जाकर हम भैया का कमरा साफ कर देंगे। अब तुम ई पुराना झुमका का बात ही छोड़ो, अनुराग का कमरा साफ करो और जब वो वापस आए तो उससे नए झुमके का इनाम ले लेना। ये तो कमाल का आइडिया है काकी। काकी एक बार मैं हीरोइन बन गई ना तो देखिएगा, मैनेजर आप ही को रखूंगी। हाँ ठीक है, रख लेना हमको मैनेजर, लेकिन पहले दीदी का जो ऑर्डर है उसे तो पूरा कर लो, तुम्हें उनका गुस्सा मालूम है ना। हाँ जाते हैं। काकी पापा नीचे हैं क्या? नहीं भैया जी, तो कब के कचहरी पहुंच भी गए होंगे। का हुआ का आज कचहरी में? अरे क्या बताएं भाई साहब, हमने तो सारी दलीलें पेश की लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, और सब ठीक है? जी हाँ। मिलते हैं भाई साहब, आज का केस हमारे पक्ष में था, पता नहीं जज साहब को क्या हुआ कि दूसरी पार्टी के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया। समझिए जीता हुआ केस हार गए हम लोग। चलिए कोनो बात नहीं पुरुषोत्तम जी, वैसे भी केस के जीतने या हारने से कोनो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हमको, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि बाकी का जो केस है ना वो भी जल्दी से खत्म करवा के ही एक कचहरी के चक्कर से मुक्ति दिलवाइए हमको। जमींदारी चली गई, सिर्फ जमीनों के केस रह गए, थक गए एकदम। और अब तो अपना बेटा अनुराग का पढ़ाई भी पूरा हो गया है, अब बस वो जल्दी से यहाँ आके एक अच्छी सी नौकरी पकड़ ले, घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ले, ताकि हम चिंता से मुक्त हो जाए। काहे कि आगे भी सब उसी को ना संभालना है। अरे भाई साहब, हम जानते हैं अनुराग को, बहुत ही होनहार लड़का है वो। वो सब संभाल लेगा, आप देख लीजिएगा। और अब तो वो लड़की वालों की भी नजर होगी उस पर। अब नजर का क्या कहें पुरुषोत्तम जी, नजर तो सबसे ज्यादा उसके माता जी की है उस पे। क्या? हाँ सही कह रहे हैं। अरे अगर उनका बस चले ना तो अनुराग के लंदन से लौटते ही सबसे पहले उसका ब्याह करा दें। हमारे घर का भी यही हाल है, हमारी बिटिया सृष्टि देख ही रहे ना उसको। उसकी माँ भी बस उसकी शादी के लिए हमेशा परेशान ही रहती है, जल्दी से करा दे बस। लेकिन हमारी बिटिया सृष्टि वो तो कभी शादी के बारे में सोचती ही नहीं, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। Thank you.
पूनम BR06P555 नोट कर। सुनो 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 गांव वालों सुनो, बच्चे बूढ़े जवान सुनो, चाचा चाची किसान सुनो, हमरे भैया अनुराग सिंह लंदन से पढ़ाई करके गांव वापस आ रहे हैं। इसी खुशी में हम पूरे गांव में लड्डू बांटेंगे। ताली। हे बाबू, विद्वान सिंह जी का घर किधर पड़ेगा भाई? काहे? का काम है? अरे भाई, अब काम हम तुमको काहे बताएं? तो हम अपने घर का पता आपको काहे बताएं? दे ताली। हे बाबू, इधर आओ। ये पकड़ो। जी कहिए। हमको विद्वान जी के यहाँ जाना है, जरूरी काम है। उनका लंदन वाला बेटा के बारे में कुछ बात करना है। तुम हमको उनका घर बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। आइए, आप मेरे पीछे पीछे आइए। चलो बच्चा पार्टी, तुम स्कूल जाओ, हम बाद में मिलते हैं। बस बस बस, यहाँ रुकिए। ये है विद्वान सिंह जी का, यानी हमरा घर। और ये हमारे चाचा जी ब्रिजबान सिंह जी। और हमारे पापा जी यानी विद्वान सिंह जी अभी घर पर नहीं है। अब आप बताइए आपका परिचय। पिसु पगला गया है का पूछ रहा है इनसे? हाँ, अरे इनको कोनो परिचय की जरूरत है। ये है बिकराल सिंह जी, ये जवार के सबसे प्रतिष्ठित और ताकतवर व्यक्ति। अच्छा, ताकतवर भी? आप कुश्ती लड़ते हैं का? अरे बेटा, हम जिंदगी के अखाड़े में अपने दुश्मनों को बिना कुश्ती के ही पटकनी दे देते हैं और मात भी। अरे वाह। अरे विकराल सिंह जी खड़े कहाँ हैं? आप हमारे घर आए हैं, हमारा मान बढ़ाया आपने। आइए ना, अंदर चलते हैं, बैठ के बतियाते हैं। क्या कंप्लेंट करना है आपको? सर, हम आपको फोन पर भी बताए थे, एक तेज रफ्तार से जा रही ओपन जीप ने एक बुजुर्ग चाचा जी को धक्का मारा और वो रुका भी नहीं। उनका इलाज अंदर चल रहा है। बहुत अच्छा किए हैं। सर, हमारे पास उस गाड़ी का नंबर भी है और हम उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाहते हैं। आज के जमाने की लड़की देखो कितनी स्मार्ट होती है। नंबर कहाँ है बोलिए तो? BR06P555। विकराल बाबू, कैसे आना हुआ हमारे गरीब खाने पर, बताइए? लड़की का बाप लड़के वाले के यहाँ क्यों आता है? अनुराग बेटा के बारे में पता चला। हमारी बेटी है रागिनी। लोग तो कहावत के लिए कहता है, लेकिन हमारी बेटी हमारे लिए है सच में लक्ष्मी। जब से जन्म हुआ है उसका बस पैसा ही कमाए हैं हम। आपका बेटा अनुराग तो बाहर से पढ़ाई करके आ रहा है, उसकी शादी के लिए तो लाइन लग जाएगी और वो भी ब्रीफकेस के साथ। अरे नहीं नहीं पुरुषोत्तम बाबू, हमको ब्रीफकेस नहीं चाहिए। लाखों में एक है हमारी बेटी, सर्वगुण संपन्न, घर के अलावा हमारा कामकाज भी देखती है, आधा व्यवसाय। अब पता चला कि आपके यहाँ योग्य वर है तो अनुमति लेने चले आए। हमको तो बस एक पढ़ी लिखी गुणी और सुशील बहू चाहिए। कोनो आपकी नजर में हो तो बताइएगा। हम क्या कहें आपसे, वैसे शादी तो हम अपनी बेटी सृष्टि की भी करना चाहते हैं। अरे हाँ, लीजिए ना। अरे आप अपनी सृष्टि बिटिया के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। अरे तो सोचिए विद्वान जी, आपने तो उसे बचपन से देखा है। सृष्टि और अनुराग की जोड़ी भी बहुत अच्छी लगेगी।